संभल में चोरों ने दिन दहाड़े बंद मकान में घुसकर 67,000 कैश समेत 3,00,000 का माल चोरी कर लिया। चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। चोरी की वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस चोरी की वारदात की तफ्तीश में जुट गई है। दिन दहाड़े चोरी की वारदात से पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं। दिन दहाड़े चोरी की वारदात संभल जिले में बेजोय थाना क्षेत्र के गणेश कॉलोनी की है। पीड़ित दीपक कुमार ने बताया कि आज रविवार अवकाश के चलते वह परिवार सहित सुबह 9 बजे अपने पृथक गाँव गए थे। परिवार को गाँव पहुँचाकर लगभग 12 बजे बेजोय स्थित अपने आवास पर पहुंचे तो उन्हें घर के ताले और छत पर पड़ा लोहे का जाल टूटे पड़े मिले। घर के सभी मकानों में सामान बिखरा पड़ा था। मकान में चोरी की आशंका से पुलिस को फोन किया गया। पुलिस के आने पर घर में रखे सामान को चेक किया गया तो घर में रखा 67,000 कैश समेत 3,00,000 की कीमत के जेवर चोर चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम आपका? दीपक शर्मा। क्या मामला हुआ है आपके यहाँ और कैसे घटना हुई? क्या क्या है कि आज संडे था तो हम छुट्टी पर थे। सब छुट्टी में गाँव गए थे सुबह 9 बजे। मैं मेरी दीदी रहते हैं यहाँ पे। मैं सुबह 9 बजे हम गाँव गए, उनको छोड़ के आया मैं। खाना वाना खा के 12 बजे जब मैं घर आया तो देखा मैंने कि जाल हटा पड़ा है और ये सीमेंट वीमेंट टूटी हुई है और जीने की किवाड़ खुली हुई थी। मैंने कॉल करके पूछा कि जीने की किवाड़ पर जाल ही आपने हटाया, लेकिन उन्होंने मना किया। उसके बाद मैंने अंदर की जब रूम की किवाड़ खोल कर देखी तो सारा सामान यहाँ से जा चुका था, जो भी है, जिसमें 67,500 नगद थे और एक सोने की कंटी थी, एक झाले थे सोने के और 2 रिंग थी सोने की और 2 जोड़ी पायल थी चांदी की, जो कि यहाँ से गायब हो चुका था जब मैं आया 12 बजे करीब घर वापस। कितने का लगभग जेवरात होंगे आपने? अब कंटी थी शायद 1.5 तोले की इनकी, 2 रिंग थी तो लगभग 1.5 तोले की 2 रिंग हुई होंगी इनकी और झाले थे 1 तोले करी और पायल थी 2.5 ग्राम की पायल होंगी, तो लगभग 2.5-3 लाख के करीब समथिंग और ज़्यादा मेरे हिसाब से। पुलिस आई सूचना करने? हाँ, पुलिस आई सूचना करने में। पुलिस वाले देख के गए, सारा मौके का जायजा लेके गए। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है।